अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम लोग का एफ एस सी पार्ट वन केमिस्ट्री और उसकी एक साइज़ के जो एम सी क्यूज़ है उसको करेंगे जो कि हमारा चैप्टर नंबर वन है ठीक है पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने आ, सारे एग्जांपल्स वगैरह कर लिए थे असाइनमेंट्स वगैरह अगर वो लेक्चर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप लोगों को लेक्चर देखे ता आप ताकि आप लोग ताकि आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर हो सके ठीक है, है और अब हम लोग यहाँ पे एम सी क्यू स्टार्ट करेंगे सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट एम सी क्यूज है फर्स्ट एम सी क्यू हमारे पास क्या है हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर देयर इन वन मोल ऑफ वाटर वन मोल ऑफ वाटर में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं तो ये हमारे पास क्या वन मोल ऑफ वाटर से आपको पता चल जाना चाहिए सिक्स पॉइंट जीरो टू रिटर्न पर ट्वेंटी थ्री है ये yes. तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास है एम सी क्यूज नंबर टू अ फ्लास्क कंटेन्स फाइव हंड्रेड सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ओ टू सल्फर डाइऑक्साइड एट एस टी पी नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर द फ्लास्क कंटेंस हम लोगों ने क्या निकालना है हम लोगों ने मैथ्स निकालना है ठीक है ग्राम्स में निकालना है और हमें हम क्या दिया है वॉल्यूम दिया हुआ है तो मैं आप लोगों को ये फॉर्मूला पहले ही बता चुकी हूँ जिसको हम लोग अभी करेंगे सॉल्व तो स्टूडेंट्स आप लोगों को हमने बताया था कि मोलर वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है मोलर वॉल्यूम हमारे पास होता है इज़ इक्वल टू एन मल्टीप्लाई बाय ट्वेंटी टू पॉइंट फोर वन फोर डेसीमीटर क्यूब ठीक है ये आपके पास मोलर वॉल्यूम का फॉमूला होता है अब स्टूडेंट्स आप लोगों को क्या दिया हुआ है आप लोगों को दिया हुआ है फा, फिफ्टी फाइव हंड्रेड सेंटीमीटर क्यूब में आपको क्या दिया हुआ है वॉल्यूम दिया हुआ है जो कि आप लोगों ने डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है जिसको ठीक है डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे फाइव हंड्रेड को डिवाइड कर देंगे थाउजेंड पे और फिर आपके पास क्या आ जाएगा ये ज़ीरो पॉइंट फाइव आ जाएगा ठीक है ज़ीरो पॉइंट फाइव आ जाएगा और उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है इसको फर्दर सॉल्व करना है तो हमें क्या चाहिए हम लोगों नंबर ऑफ़ मोल्स निकालेंगे उसके बाद इसको ग्राम्स में निकालेंगे ग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे अब यहाँ पर मोलर वॉल्यूम चलो जीरो पॉइंट फाइव लिख दें इज़ इक्वल टू एन मल्टीप्लाई बाय है ट्वेंटी टू पॉइंट फोर वन फोर अब एन यहाँ पर रह जाएगा और ज़ीरो पॉइंट फाइव को डिवाइड करेंगे किससे ट्वेंटी टू पॉइंट फोर वन फोर से और ये आपके पास क्या आ जाएगा ये आपके पास नंबर ऑफ़ मोल्स आ जाएगा ठीक है सो हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं जीरो पॉइंट फाइव डिवाइडेड बाई ट्वेंटी टू पॉइंट पॉइंट फोर फोर वन फोर विच इज़ इक्वल टू यहाँ पर आपके पास आगे नंबर ऑफ़ मोल्स और हमें क्या चाहिए हमें ग्राम्स में चाहिए तो आपके पास ये मोल्स हैं और मोल्स से ग्राम में कन्वर्ट करना आपको आता है ठीक है अब आपने मैथ्स निकालना है गिवन मैथ्स निकालना है गिवन मैथ्स इज इक्वल टू गिवन मैथ्स इज इक्वल टू मोलर मैथ्स नंबर ऑफ़ मोल्स सॉरी नंबर ऑफ़ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मैथ्स आप लोग निकालें नंबर ऑफ़ मोल्स किस नंबर ऑफ़ मोल्स हमें या फिर नंबर ऑफ मोल्स हमने जब निकाला हो तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं गिवन मैथ डिवाइड बाई मोलर मैथ लगाते हैं ना अब हम लोगों ने गिवन मैथ निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे मोलर मैथ मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मोल्स ठीक है हम लोगों ने अब ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है तो गिवन मैथ इक्वल टू मोलर मैथ मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मोल्स और गिवन मैथ हमने यहाँ से निकालना है और हमने अपने ऑप्शन को जो भी ऑप्शन करेक्ट है उसको देखना है ठीक है तो मोलर मैथ हमारे पास क्या होगा एसो टू का सल्फर का थर्टी टू होता है ऑक्सीजन का सिक्सटीन होता है और दो मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन के थर्टी टू प्लस सिक्सटीन मल्टीप्लाई बाई टू हमारे पास ये क्या आ जाएगा ये हमारे पास आ जाएगा थर्टी टू प्लस सिक्सटीन मल्टीप्लाई बाई टू ठीक है और यहाँ पर सारा है सिक्सटी फोर सो हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे मोलर मैच सिक्सटी फोर और नंबर ऑफ़ मोल्स हमने कितने निकाले जीरो पॉइंट जीरो टू टू इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे सिक्सटी फोर से सिक्सटी फ़ोर को या फिर मल्टीप्लाई कर दे जीरो पॉइंट जीरो टू टू से और आपके पास ये आंसर आ जाएगा वन पॉइंट फोर ज़ीरो एट ठीक है वन पॉइंट फोर ज़ीरो एट ये भी आपका सही है लेकिन आप लोग अगर अपने एम सी क्यूज के ऑप्शन पर देखें तो आपको इस तरह कहीं नहीं मिल रहा बल्कि आपको वन पॉइंट फोर टू सेवन मिल रहा है तो आप लोगों का जो आया वन पॉइंट फोर जीरो एट वन पॉइंट फोर तो आप लोगों का आया ना सो so ये आपका ऑप्शन डी करेक्ट है ठीक है ऑप्शन डी इज करेक्ट अब स्टूडेंट्स हमारे पास एम सी क्यू नंबर थ्री है अ नेकलेस है सिक्स ग्राम ऑफ डायमंड इन इट वट आर द नंबर ऑफ एटम्स इन इट नंबर ऑफ एटम्स उसमें कितनी होंगे ठीक है नंबर ऑफ एटम्स निकालना आपको आना चाहिए नंबर ऑफ एटम्स क्या होते हैं मोल्स मल्टीप्लाई एवेगैडो नंबर मोल्स कैसे निकालते हैं गिवन मैस डिवाइड बाई मोलर मैस ठीक है mass, और एवेगैडो नंबर सिक्स पॉइंट जीरो टू टू टेस्ट पर ट्वेंटी थ्री अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे या फिर इसी तरह हम लोग कर लेते हैं कि नंबर ऑफ़ एटम्स हम लोगों ने uh, निकालने हैं नंबर ऑफ एटम्स हमें कहा वट आर द नंबर ऑफ एटम्स नंबर ऑफ़ एटम्स हमने निकालनी है मोल्स हमें पता है मोल्स हम कैसे निकाल सकते हैं गिवन मैस गिवन मैस का क्या सिक्स और डायमंड uh, में हमारे पास कार्बन यूज़ होता है तो कार्बन को सिक्स सिक्स uh, को ट्वेल्व से डिवाइड करना है फिर इसको फर्दर मल्टीप्लाई करना है सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इन टू टेन रेज टू पार्ट ट्वेंटी थ्री तो आपके पास ये क्या आ रहा है थ्री पॉइंट जीरो वन इन टू टेन एस टू पार्ट ट्वेंटी थ्री ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट अब इसके बाद है चौथा वट इज़ द मैस ऑफ अल्मीनियम इन टू जीरो फोर ग्राम ऑफ एलोमियम ऑक्साइड ए एल टू ओ थ्री यानी अलमोनियम को ऑक्साइड दिया हुआ है और कहा है कि अल्मीनियम का मैस अगर टू ज़ीरो फोर ग्राम है तो उसका जो मै uh, और एल्युमिनियम uh, जो एलुमिनियम ऑक्साइड का जो मैस है वो टू ज़ीरो फोर ग्राम है तो हमने क्या निकालना है मैस ऑफ एलुमिनियम निकालना है स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे इस न्यूमेरिकल में इस न्यूमेरिकल में हमें कहा हुआ है Al2O3 दिया हुआ है और हमने क्या निकालना है हमने एल्युमिनियम का मैस निकालना है सो हम लोग यहाँ पे क्या करें इसीलिए हम लोग यहाँ पे दोनों को कंपेयर करें ठीक है दोनों को कंपेयर करेंगे Al2O3 का जो मैथ है आपको दिया हुआ है टू जीरो फोर ग्राम दिया हुआ है और आपको टू जीरो फोर ग्राम दिया है ठीक है और आपने क्या निकालना है यहाँ से यहाँ से आपने एलुमिनियम का मैस निकालना है एलुमिनियम का मैस वैसे कितना होता है ट्वेंटी सेवन और यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल इसके दो है स्टूडेंट सबसे पहले इसमें आप लोगों ने क्या करना है ए एल टू ओ थ्री को इक्वल करना है एलुमिनियम के जिसको जो हमें चाहिए ठीक है और ए एल टू ओ थ्री का जो मोलर मैस है वो क्या है ए एल टू ओ थ्री को जब आपने मोलर मैस निकाला है एलुमिनियम का ट्वेंटी सिक्स पॉइंट नाइन होता है उसको मल्टीप्लाई करें टू से उस फिर एड करें ब्रैकेट्स लगाने हैं आप लोगों ने फिर सिक्सटीन को मल्टीप्लाई करना है थ्री से सिक्सटीन हमारे पास ऑक्सीजन का एटोमिक मैस है ठीक है और फिर इसको हम लोगों ने ऐड किया तो हमारे पास क्या आ गया वन जीरो वन पॉइंट एट जो कि अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू वन जीरो टू ग्राम आके ठीक है अब हम लोगों ने यहाँ पर क्या करना है फर्दर हम लोगों ने गिवन मैच रखा मोरल मैज के बराबर निकाला अभी हम लोग कौन सा वाला मैथड करें इस टॉक्योमेट्रिकली हम लोग करें जो हम लोग पिछले लेक्चर्स में करते हुए आए ठीक है अब यहाँ पे क्या हो जाएगा वन जीरो टू यहाँ पे हम लोग वन लिख देंगे क्यों वन लिख रहे हैं क्योंकि ट्वेंटी सेवन मल्टीप्लाई बाई टू डिवाइड बाय वन जीरो टू वन जीरो टू को हम लोग इस साइड पर ले आए अब उसके बाद क्वेश्चन के मुताबिक क्या है कि आपको क्या दिया हुआ टू जीरो फोर ग्राम दिया विच इज इक्वल टू फिफ्टी फ़ोर या फिर आप इस दोनों को मल्टीप्लाई करके फिफ्टी फोर लिख दे डायरेक्ट फ़िफ्टी फ़ोर डिवाइडेड बाय वन जीरो टू और ट्वेंटी फोर को टू ज़ीरो फोर को यहाँ मल्टीप्लाई भी कर दें और आपके पास ये आंसर निकल आएगा ठीक है आप लोगों ने सिंपली क्या किया है के लिए किया जो आप लोगों को मैं पिछले लेक्चर्स में करवाती आई हूँ उस, उसी मैथड से हम लोगों ने किया और अगर आप लोगों ने वो लेक्चर मेरा नहीं देखा तो इसलिए आप लोगों को लेक्चर देखी ताकि आप लोगों को कम्प्लीटली समझ आ जाए कि मैंने ये कैसे किया ठीक है अब यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हो के फिफ्टी फोर डिवाइडेड बाई वन जीरो टू विच इज़ मल्टीप्लाई बाई टू जीरो फोर विच इज इक्वल टू वन जीरो एट ठीक है वन जीरो एट के बराबर आ गए अभी हमारे पास आंसर आ आगे अब स्टूडेंट्स मैं दोबारा आपको बता दूं कि हम लोगों ने कैसे किया है यहाँ पर हम लोगों को एल्युमिनियम का मैच चाहिए था इन केस ऑफ ए एल टू ओ थ्री एल टू ओ थ्री को हम लोगों ने बराबर रखा है एलुनियमियम के और ए एल टू ओ थ्री का अपना मोलर मैच लिखा है और फिर एल्युमिनियम का जो हमारे पास क्या है ट्वेंटी सेवन एटोमिक नंबर है इसको मल्टीप्लाई किया एल्युमिनियम के दो मोलिक्यूल्स हैं सोचिए हम लोगों ने यहाँ पर क्या लिखा एल्युमिनियम ए uh, एल टू था ना तो टू को मल्टीप्लाई कर दिया अब हम लोग यहाँ पर जब वन ग्राम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा ट्वेंटी सेवन मल्टीप्लाई बाई टू विच इज डिवाइडेड बाई किस से वन जीरो टू से डिवाइड हो जाएगा ठीक है और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा टू जीरो फोर हमारा कह दिया एल टू ओ थ्री का जो मैस थी अब गिवन मैस और मोलर मैस थी ठीक है गिवन मैस मोलर मैस हम ऊपर लगा चुके हैं और फिफ्टी फोर दोनों मल्टीप्लाई हो गई फिफ्टी फोर हो गया डिवाइड बाई वन जीरो टू टू जीरो फोर को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया और वापस आ गया एलोमिनियम का मैस वन जीरो एट ग्राम तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट उसके बाद हमारे पास है पांचवा एम सी क्यू रिएक्टेंट विच इज कंज्यूम्ड अर्लियर एंड गिव्स लीस्ट क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट यानी जो रिएक्टेंट जो कंज्यूम uh, जल्दी हो जाता है और हमें लीस्ट क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट देता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट बोलते हैं ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट सिक्स हमारे पास एम सी क्यू है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कंटेन हाइस्ट परसेंटेज ऑफ बायमैस ऑफ नाइट्रोजन यानी मैस ऑफ नाइट्रोजन को मद्देनजर रखते हुए किस में हाइएस्ट परसेंटेज किसका हाईएस्ट परसेंटेज होगा तो so, हम लोगों ने ये कैलकुलेट करना है अब अब इसको भी हम लोग ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं तो स्टूडेंट हम लोगों ने परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकालने के लिए क्या करना है मैस ऑफ नाइट्रोजन ऊपर लिखना है फिर टोटल मैस ऑफ दैट कंपाउंड विच इज मल्टीप्लाइड बाई हंड्रेड क्योंकि हम लोग परसेंटेज निकाल रहे हैं इसलिए हम लोग यहाँ पे हंड्रेड से मल्टीप्लाई करेंगे पहले हमारे पास क्या दिया हुआ है एन एच ट्री दिया हुआ है एन एच ट्री में नाइट्रोजन का मैथ परसेंटेज निकालेंगे नाइट्रोजन का जो मैथ होता है मैथ ऑफ नाइट्रोजन वो कितना होता है फोर्टीन को हम लोग डिवाइड करेंगे किससे एन एच टी के होल मैथ से एन एच टी का होल मैथ किया है फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन सेवनटीन विच इज मल्टीप्लाइड बाई हंड्रेड इसको हम लोग सोल्व करेंगे हमारे पास ये क्या आ जाएगा फोर्टीन विच इज डिवाइडेड बाई सेवनटीन एंड विच इज मल्टीप्लाइड बाई हंड्रेड सो आवर आंसर इस हेयर एटी टू परसेंट ठीक है एटी टू परसेंट अभी आप लोगों ने सबको करना है उसके बाद आप लोगों ने अपना फाइनल आंसर बताना है ठीक है डायरेक्ट आप लोगों ने नहीं बोल देना ठीक है इसके बाद हमारे पास है एन टू एच फोर एन टू एच फोर में हम लोग नाइट्रोजन का निकालते हैं फोर्टीन डिवाइडेड बाई एन टू है एन टू का मतलब क्या है कि फ़ोटीन को मल्टीप्लाई करना है टू से और यहाँ पर ब्रैकेट्स का आप लोगों ने ख्याल रखना है और उसके बाद हमारे पास क्या है उसके uh, बाद हमारे पास है फोटीन मल्टीप्लाई बाई टू प्लस किस में ऐड करना है फोर ऐड करना है उसमें ठीक है थर्टी टू आ गया तो हमारे पास ये क्या आ रहा है थर्टी टू और इसको मल्टीप्लाई किससे करना है हंड्रेड से आप इसको सॉल्व करके देखिए फोटीन डिवाइडेड बाय थर्टी टू विच इज़ मल्टीप्लाइड बाय हंड्रेड हंड्रेड से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास ये क्या आ जाएगा ये आपके पास आ रहा है फोर्टी थ्री परसेंट ठीक है फोर्टी थ्री परसेंट आ रहा है नेक्स्ट हमारे पास क्या है नेक्स्ट हम लोग को तो निकालना है NO एन के केस में एन NO, ओ NO में हमारे पास क्या है नाइट्रोजन हमारे पास फोटीन ही रहेगा और जो एन NO में नाइट्रोजन है फोटीन और फिर ऑक्सीजन क्या है सिक्सटी और फोटीन प्लस सिक्सटी विच इज़ इक्वल टू थर्टी थर्टी से डिवाइड करना है मल्टीप्लाई करना है हंड्रेड से फोटीन डिवाइडेड बाय थर्टी विच इज़ मल्टीप्लाइड बाय हंड्रेड और हमारे पास ये आंसर आ जाएगा फ़ोर्टी सेवन परसेंट ठीक है फोटी सेवन परसेंट इसके बाद हमारे पास लास्ट है एन एच फोर ओ एच एन एच फोर ओ एच को हम लोग करके देखते हैं एन एच फोर ओ एच यहाँ पास क्या आएगा फोरटीन डिवाइडेड बाई मैस ऑफ नाइट्रोजन लिख दिए टोटल मैस ऑफ कंपाउंड लिखेंगे नाइट्रोजन हमारे पास क्या होता है फोर्टीन प्लस हाइड्रोजन के फोर प्लस ऑक्सीजन सिक्सटीन हाइड्रोजन वन थर्टी फाइव और इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे हंड्रेड से और हमारे पास ये आंसर आ जाएगा फोर्टीन डिवाइडेड बाय थर्टी फाइव विच इज़ मल्टीप्लाइड बाय हंड्रेड एंड इज़ इक्वल टू फोर्टी ठीक है फोर्टी आ गया अब हम लोग नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करना है ये हमारे पास फोर्टी परसेंट आ गया अब आप लोगों को यहाँ से पता चल रहा है कि किस में हाइस्ट नाइट्रोजन का क्या, क्या है परसेंटेज है एटी टू परसेंट इज़ हाइस सो हमारे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन नंबर ए जो कि आप लोगों ने करेक्ट करना है ठीक है जिसको आप लोगों ने करेक्ट कहना है और यहाँ पास क्या बनता है ऑप्शन नंबर ए बनता है इसके बाद हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास है वाइटामिन हैज़ अ मॉलिक्यूलर फार्मूला सी ट्वेंटी एच थर्टी ओ द नंबर ऑफ वाइटामिन ए मॉलिक्यूल इन फाइव हंड्रेड मिलीग्राम ऑफ इट्स कैप्सूल विल बी नंबर ऑफ़ वाइटामिन मॉलिक्यूल्स निकाले नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स कैसे निकालते हैं मोल्स मल्टीप्लाई बाय गैडो नंबर यानी इसका सेम फार्मूला है ये सेम फार्मूला किस तरह का नंबर ऑफ एटम्स की तरह का आप लोग अपनी बुक पे साथ साथ फॉर्मूलाज भी लिख लें ठीक है और हमें क्या दिया हुआ है हमें दिया हुआ है मैथ्स ऑफ दैट वाइटामिन ए और वाइटामिन ए में जो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स है ठीक है नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स भी द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाइटामिन नंबर ऑफ़ वाइटामिन ए मॉलिक्यूल्स इन 500 मिलीग्राम यानी हम लोगों ने हम लोगों को इसको क्या दिया हुआ है इसका गिवन मैस भी दिया हुआ है और इसका मोलर मैस हम लोग खुद फाइंड आउट कर सकते हैं और हमने क्या निकालना है हमने निकालना है नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाइटामिन ए तो इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे तो न्यूमेरिकल नंबर जो एम सी क्यू नंबर है वो हमारे पास सेवन है और जो कि नूमेरिकल टाइप ही हैं ठीक है ठीके? और हमें क्या दिया हुआ है हमें दिया हुआ है गिवन मैथ ऑफ़ वाइटामिन वा, वा, ए गिवन मैथ ऑफ वाइटामिन ए या आपका ऑब्जेक्टिव पोर्शन में भी आ सकता है ठीक है तो आप लोग इसको पूरा आ, पूरे तरीके से इसको करें ताकि आप लोगों को जल्दी हो, जल्दी हो जाए और आप, आपका जो है ना ऑब्जेक्टिव इसके अलावा सब्जेक्टिव पोर्शन भी इस तरह से आपको समझ आ सके ठीक है तो इस तरह आप लोगों ने करना है विटामिन ए का हमें क्या दिया हुआ है फाइव हंड्रेड मिली ग्राम गी मैच दिया हुआ है मिली टन की पावर माइनस थ्री होती है सो so, हम लोगों ने लिखा है फाइव हंड्रेड मल्टीप्लाई बाय टेन टू पर माइनस थ्री नेक्स्ट हमारे पास क्या है नेक्स्ट हमें कहा है कि नंबर ऑफ नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाइटामिन ए निकालना है ठीक है नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाइटामिन ए निकालना है और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाइटामिन ए का फॉर्मूला क्या है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाइटामिन सेम यहाँ पर लिखेंगे आप लोग इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय अवर नंबर सेम इज़ द फॉर्मूला फॉर नंबर ऑफ आइटम्स ठीक है अब हम लोगों ने मोल्स मोल्स कैसे निकालते गिवन मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस ठीक है और मल्टीप्लाई किससे करना है वो नंबर से करना है और मोलर मैथ्स आपको नहीं पता सॉरी मोलर मैथ्स आपको मालूम करना है कि वन मैथ्स आपको दिया हुआ है तो हम लोग मोलर मैथ्स कैसे निकालेंगे मोलर मास विच इज़ इक्वल टू आ, आपको फॉर्मूला दिया हुआ है सी ट्वेंटी एच थर्टी ओ तो आप लोग क्या करेंगे सी कार्बन ट्वेल्व होता है ट्वेल्व को मल्टीप्लाई करना ट्वेंटी से फिर इसमें ऐड फिर इसको ऐड करना है किसमें थर्टी uh, में थर्टी यानी हाइड्रोजन का वन होता है तो वन को थर्टी से मल्टीप्लाई करें थर्टी आ जाएगा प्लस सिक्सटीन तो आपके पास ये क्या आ जाएगा ट्वेल्व मल्टीप्लाई बाई ट्वेंटी विच इज़ इक्वल टू टू फोर्टी प्लस थर्टी प्लस सिक्सटीन आपके पास ये आ रहा है टू एटी सिक्स ग्राम तो आपके पास ये क्या आ गया मोलर मैथ आ गया टू एटी सिक्स ग्राम आ गया और अब आप इसको आपने यहाँ पे पुट करना है गिवन मैथ्स आपके पास कितने फाइव हंड्रेड मल्टीप्लाईबे टेस्ट पर माइनस थ्री और टू एटी सिक्स विच इज़ मल्टीप्लाइड बाय सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन रेज टू पार ट्वेंटी थ्री इसको आप लोग सॉल्व करें और आपके पास आंसर निकल आएगा फाइव हंड्रेड मल्टीप्लाये टेस्ट पर माइनस थ्री विच इज डिवाइडेड बाय टू एटी सिक्स एंड विच इज मल्टीप्लाइड बाय सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन रेस टू पार ट्वेंटी थ्री ठीक है आपके पास ये आंसर आ गया वन पॉइंट जीरो फाइव इंटू टेन एज टू पार्ट ट्वेंटी वन वन पॉइंट जीरो फाइव इन टू टेन रेज टू पार्ट ट्वेंटी वन और ये आपके पास मॉलिक्यूल्स है सो तो आपके आगे कुछ नहीं लिखेंगे और आपके पास जो आंसर बनता है इसके लिहाज से ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट ठीक है बीज बी ऑप्शन इज़ करेक्ट सो तो आप लोगों का जो वन पॉइंट जीरो फाइव इं टेन इस पर माइनस टेन इज टू पार्ट ट्वेंटी वन जो है वो करेक्ट है नेक्स्ट हमारे पास एम सी क्यू नंबर एट है विच वन ऑफ विच वन मोल मोल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इज कम्प्लीटली बर्न इन ऑक्सीजन विच विल गिव द लार्जेस्ट मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड किस में कार्बन डाइऑक्साइड का मैस सबसे ज्यादा मिलेगा तो क्वेश्चन आप लोग क्या देख रहे हैं कि इसमें आपको कहा हुआ है कि अब हम लोग जब इसको रिएक्ट करवा वैन वन मोल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोविंग इनके जब एक मोल को हम लोग जब कंप्लीटली बर्न करवाते हैं ऑक्सीजन में किस में हमें कार्बन डाइऑक्साइड का मैच सबसे ज़्यादा मिलता है कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड में डायमंड में इथेन में मीथेन में तो इथेन क्या होता है सी टू एच सिक्स होता है ठीक है मीथेन क्या होता है सी एच फोर होता है जो कि आप लोग इंशाल्लाह सेकंड ईयर में पढ़ेंगे और अब हम यहाँ पे देखते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड में जब हाफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन थालेंगे तो हमारे पास क्या बनता है कार्बन डाइऑक्साइड बनता है ऐसा ही है क्योंकि अगर आप लोग देखें यहाँ पर मैं आपको सॉल्व करवा के दिखाती हूँ कि कार्बन मोनोऑक्साइड है कार्बन मोनोऑक्साइड है इसमें आप क्या ऑक्सीजन ऐड करेंगे क्योंकि ऑक्सीजन बन करवा रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है लेकिन कार्बन जो ऑक्सीजन है वो इसी तरह अकेला नहीं घूम सकता यानी ये नेसेंट ऑक्सीजन नहीं है ये आ, रिएक्टिव ऑक्सीजन नहीं है इसको हम लोग हाफ मोल्स ऑफ ओ टू कहेंगे ठीक है ये कहने से क्या होगा ये यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा हमारे पास ओ रह जाएगा ठीक है इस तरह बोलेंगे आप लोग तब आपका करेक्ट होगा और यहाँ पास कितना One mole of carbon dioxide बन रहा है वन मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है ठीक है अब इसके बाद नेक्स्ट हमें क्या कहा है नेक्स्ट हमें कहा है जब डायमंड से करवाएँ डायमंड से अगर आप लोग करवाएँ डायमंड में तो होता ही कार्बन है और ओ टू रिएक्ट करवाएं तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा ठीक है इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है हमारे पास है इथेन से, से करवाएंगे इथेन क्या होता है सी टू एच सिक्स प्लस ओ टू इसमें कितने रिएक्ट करवाएंगे हमारे पास यहाँ पर पानी भी बनेगा वाटर भी बनेगा क्योंकि एच भी है यहाँ पर और यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाएगा सी ओ टू क्योंकि यहाँ पर कार्बन के दो है यहाँ पर इसके भी दो हैं तो टू प्लस एच टू ओ ठीक है अब यहाँ पे सिक्स हाइड्रोजन है तो यहाँ पे थ्री कर दूंगी थ्री एच टू अब अगर यहाँ पे ऑक्सीजन के ऑक्सीजन के नंबर को गिने यहाँ पे तीन ऑक्सीजन है यहाँ पे कितने हैं चार तीन चार कितने होते हैं सात तो सेवन डिवाइडेड बाय टू कर देंगे ठीक है सेवन बाई टू होगा टू टू से कैंसिल हो जाएगा ठीक है और हमारे पास क्या आ जाएगा ऑक्सीजन के सेवन मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे जो कि यहाँ पे रिएक्ट करके क्या बना रहा है टू मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमें कार्बन डाइऑक्साइड से इंटरेस्ट है ठीक है कार्बन डाइऑक्साइड में इंटरेस्ट है कि हम लोग को देखने के कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मोल किस पे ज्यादा बन रहे हैं अब इसके बाद हमारे पास क्या क्या मीथेन में मीथेन में हम लोग करेंगे तो हमारे पास ये ऑक्सीजन के कितने मोलिकूल डालने हम वो देखते हैं अभी कार्बन डाइऑक्साइड तो बन जाएगा और वाटर भी बनेगा वाटर भी बनेगा वाटर के चार हाइड्रोजन के चार है तो हम पे टू एच टू ओ लिख देंगे ठीक है और यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल्स मोलिक्यूल ऑक्सीजन एक दो तीन तो हम लोग यहां पे क्या लिख देंगे तीन डिवाइड बाई टू विच इज इक्वल टू टू अब हमारे पास क्या हो गया यहाँ पे बैलेंस हो गए ठीक है और तीन रह जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास एक मोल बनाए यहाँ पे दो मोल बनाए सो so, हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या होगा करेक्ट ऑप्शन हमारे पास होगा इथेन और हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट है वन मोल ऑफ एथेनॉल एंड वन मोल ऑफ इथेन हैव एन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मोल्स में है तो मोल्स में हमारे पास क्या होगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमेशा सेम रहते हैं इसके बाद हमारे पास क्या है एम सी क्यू नंबर नाइन एम सी क्यू नंबर नाइन तो हो गया उसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है एम सी क्यू नंबर टेन है मीथेन रिएक्ट्स विद स्टीम टू फॉर्म हाइड्रोजन 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 गैस एंड कार्बन मोनोऑक्साइड व्हाट वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम हंड्रेड सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मीथेन एट एंड स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर यानी हम लोगों ने वॉल्यूम ऑफ एच टू निकालने हैं और हमें वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ़ एच टू एच टू निकालना है जबकि हमारे पास क्या दिया हुआ है वॉल्यूम हमें दिया हुआ है ठीक है हंड्रेड सेंटीमीटर क्यूब हमें दिया हुआ है तो स्टूडेंट हमें मीथेन का जो वॉल्यूम दिया हुआ है और हमें वॉल्यूम ऑफ एच टू निकालना है इसको हम लोग स्टूडेंट कैसे करेंगे अगर आप लोग यहाँ पे देख रहे हो इस वाले well, हम लोग क्या करेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन निकालेंगे ठीक है मीथेन का मोल्स निकालेंगे और वो कैसे निकलेगा अगर आपको वॉल्यूम वाला फॉर्मूला याद हो तो वालीम मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाई ट्वेंटी टू पॉइंट फोर वन फोर होता है ठीक है अब हम लोगों ने क्या करना है हमें क्या चाहिए नंबर ऑफ़ मोल्स चाहिए तो हम लोग ट्वेंटी टू पॉइंट फोर वन फोर को वॉयम से डिवाइड कर देंगे वालीम डिवाइडेड बाय इसका दूसरा फार्मूला ये भी हो सकता है स्टूडेंट्स ट्वेंटी टू पॉइंट फोर वन फोर और वॉल्यूम आपको कितना दिया हुआ है तो सवाल में हंड्रेड दिया हुआ है हंड्रेड सेंटीमीटर ट्यूब दिया विच इज डिवाइड बाई ट्वेंटी टू पॉइंट फोर वन फोर इससे आप लोग डिवाइड करें आपके पास ये क्या आ रहा है ये आपके पास आ जाएगा हंड्रेड डिवाइडेड बाई ट्वेंटी टू पॉइंट फोर वन फोर विच इज इक्वल टू फोर पॉइंट फोर सिक्स मोल्स आ गया अब आप लोगों ने नेक्स्ट काम क्या करना है आपको हाइड्रोजन का चाहिए और आप लोग देख रहे हैं कि वन मोल ऑफ वन मोल ऑफ सी एच फोर से कितने मोल्स ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रहे हैं थ्री मोल्स ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रहे हैं ठीक है तो हम लोग क्या करेंगे हम लोग सबसे सब पहले देखेंगे यहाँ पे भी हम लोग ये वार्मूला लगाएंगे वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम हमें चाहिए नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली ट्वेंटी टू पॉइंट फोर वन फोर से नंबर ऑफ मोल्स किसके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन के मीथेन को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे किस से ट्वेंटी से और आपके पास ये आंसर आ जाएगा जिसको आप लोग थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि तीन मोल ऑफ हाइड्रोजन है तो आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे फोर पॉइंट फोर सिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे ट्वेंटी टू पॉइंट फोर वन फोर से और ये आपके पास आ रहा है हंड्रेड और अगर आप लोग यहाँ पे देख रहे हो हंड्रेड सेंटीमीटर क्यूब और अगर आप लोग यहाँ पे देख रहे हो तो हाइड्रोजन कितने प्रोड्यूस हो रहे तीन तो हंड्रेड को थ्री से मल्टीप्लाई कर देंगे आपके पास ये क्या आ जाएगा थ्री सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन बनता है ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट ठीक है ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट और इसके मुताबिक आपका जो थ्री हंड्रेड सेंटीमीटर क्यूब है वो सही है अब इसकी बाद है अलेवंथ एम सी क्यू दोस कॉन्सटेंट इज़ द नंबर ऑफ एटम्स इन वन ग्राम ऑफ हीलियम वन ग्राम ऑफ हीलियम में जितने एटम्स होते हैं वन ग्राम ऑफ हीलियम को अगर हम डिवाइड करें वन वन ग्राम को हीलियम के मैथ से जो कि फ़ोर है तो हमारे पास ये क्या आएगा कि हमारे पास वन uh, मोल के बराबर नहीं आएगा वॉलिक्यूल्स इन थर्टी फाइव पॉइंट फाइव ग्राम ऑफ क्लोराइड क्लोराइड नहीं क्लोराइन क्लोरीन आइन्स क्लोरीन का बोलेंगे तो हम लोग इसको करेक्ट करेंगे लेकिन हमारे पास ये भी करेक्ट नहीं है इलेक्ट्रॉन्स नीडी टू डिपॉजिट ट्वेंटी फोर ग्राम ऑफ मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है तो इलेक्ट्रॉन्स से हमारा यहाँ परोसॉस्टन का कोई ताल्लुक नहीं है और इस लास्ट ऑप्शन है एटम्स इन ट्वेंटी फोर ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम अब अगर आप यहाँ पे देखें मैग्नीशियम में एटम्स ही होते हैं और अगर मैग्नीशियम के ट्वेंटी फोर ग्राम यानी गिवन मैच को डिवाइड करें मोलर मैस से तो आपके पास ये क्या आ रहा है नंबर ऑफ़ मोल्स आ रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स आपको बता चुकी चुके गिवन मैच डिवाइड मोलर मैथ से तो गिवन मैच ट्वेंटी फोर ग्राम है और मोलर मैस भी ट्वेंटी फोर ही है और जब इन दोनों को कैंसिल करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स कितना आ जाएगा वन मोल आ जाएगा जो कि वगैडोस कॉन्टेंट के बराबर आएगा सिक्स पॉइंट जीरो टू टी टेस्ट पर ट्वेंटी थ्री के तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट उसके बाद है बारवा हमारे पास है हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आर नीडेड फॉर द कंप्लीट कम्बेशन ऑफ टू मोल्स ऑफ ब्यूटेन टू मोल्स ऑफ ब्यूटेन को हम लोगों ने कंप्लीटली अगर बर्न करना है तो हमारे पास कितने मोल्स ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर हैं तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आप लोगों को क्या पता होना चाहिए आप लोगों को पता होना चाहिए कि ब्यूटेन होता क्या ब्यूटेन के कितने वो हैं कार्बन कितने होते हैं ठीक है थीके? ब्यूटेन में तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे सबसे पहले टू मोल्स ऑफ ब्यूटेन इससे सर ब्यूटेन का फॉर्मूला आपको बताऊँ चाहिए सी फोर होता है ठीक है कार्बन फोर होते हैं ठीक है कार्बन फोर होते हैं और इसके साथ हाइड्रोजन सबके साथ अटैच होगा इस तरह से एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ठीक है कार्बन फोर और हाइड्रोजन कितने होते हैं दस होते हैं ठीक uh, है सी फोर एच टेन और टू मोल्स ऑफ यूटेन है किससे रिएक्ट करवा रहे हैं इसको हम लोग टू मोल्स ऑफ ऑक्सीजन नी हाउ मोरी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन नी हमें कहा कितने मोल्स ऑफ ऑक्सीजन हमें चाहिए होंगे ठीक है हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आर रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कम्बशन ऑफ टू मोल्स ऑफ यूटेन टू मोल्स ऑफ यूटेन को अगर हम लोग कंप्लीटली कम्बशन करवाते हैं तो हमें कितने मोल्स ऑफ ऑक्सीजन चाहिए होंगे ठीक है तो हम लोग क्या करें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बन रहे कार्बन डाइऑक्साइड तो बनेगा और साथ में वाटर भी बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल कितने हमारे पास ये कितने टू फोर जो एट एट कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा बैलेंस हो गया और टेन के हाइड्रोजन है तो टू हमारे पास मॉलिक्यूल ऑलरेडी है टू टू हमारे पास है सॉरी यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड के टू फोर ज़ार एट एट हो गया ठीक है और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने टेन टेन टू जो ट्वेंटी तो हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे टेन टू ज़ार ट्वेंटी हो गया और यहाँ बैलेंस हो गया अब हम लोग ऑक्सीजन को देखते हैं ऑक्सीजन कितने लगाए हैं हम लोगों ने टू ऑक्सीजन के दो मोलिक्यूल्स हैं टू को एट से मल्टीप्लाई करें टू एट जो सिक्सटीन और टेन कितना हो गया सिक्सटीन और टेन हमारे पास हो जाता है ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी सिक्स सॉरी ट्वेंटी सिक्स हमारे पास हो गया क्या ऑक्सीजन अब हम लोगों ने इसको बैलेंस करना है कैसे करेंगे हम लोग ट्वेंटी सिक्स हम लोगों ने ऑक्सीजन लगाया ट्वेंटी सिक्स हम लोग डायरेक्ट नहीं बोल सकते क्योंकि हम लोग देखते हैं कि एटोमिक ऑक्सीजन या नेसेंट ऑक्सीजन इस तरह नहीं बनता ठीक है और इस तरह एग्जिस्ट नहीं करता सो so, हम लोग यहाँ पर ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स बनाएंगे और हम लोग क्या लिखेंगे ट्वेंटी सिक्स डिवाइड बाई टू इसमें हम लोग क्या लिखेंगे थर्टीन uh, हम लोग यहाँ पे हम लोग लिखेंगे थर्टीन तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग लिख देंगे थर्टीन थर्टी हम लोगों ने क्यों लिखा है क्योंकि अगर थर्टीन को टू से मल्टीप्लाई ट्वेंटी सिक्स ऑलरेडी आ रहा है सो तो हम लोग यहाँ पे हम लोग इस इक्वेशन को क्या कर देंगे बैलेंस कर चुके हैं स्टूडेंट्स इसका आंसर हमारे पास क्या बनता है आंसर हमारे पास बनता है ऑप्शन नंबर डी थर्टीन अब इसके बाद है इफ फोर मोल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड आर ऑक्सीडाइज टू सल्फर ट्राई हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स इज रिक्वायर्ड यानी कितने मोल्स ऑफ कितने मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हमें चाहिए होगा ठीक है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मोलिकूल है ओ टू ओ टू हमें कितना चाहिए हमने वो देखना है अब अगर स्टूडेंट्स आप हम लोग देखें सल्फर सल्फ़र डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राई में कन्वर्ट करना है ठीक है अब इसलिए हमें देखना है कि कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन चाहिए और इसको सल्फर ट्राई में कन्वर्ट किए ठीक है अब हम लोग यहाँ पे अगर देखें कि हमारे पास सल्फर ट्राई है इसमें कितना ऑक्सीजन ऐड करें हम लोग कि हमारे पास सल्फ़र डाईक् सल्फ़र हमारे पास ट्राई बन सके अब अगर यहाँ पर हम लोग टू मोल्स ऑफ ऑक्सीजन को ऐड करें ये हमारे पास कितना हो गया तो दो दो चार हो गया और यहाँ पे हमारे पास कितने हैं तीन हैं सो so, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे यहाँ पे इसको बैलेंस करेंगे और इसको फर्दर हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे चार और ये तीन कितना हो गया सात सेवन हो गया और यहाँ पे तीन है तो हम लोग यहाँ पे इसको फर्दर सॉल्व करेंगे सबसे पहले हम लोग एस को करते हैं कि एस को यहाँ पर फोर बना देंगे और यहाँ पे फोर लिख देंगे ठीक है फोर थ्री फोर हज़ार ट्वेल्व और चार और एड के तो कितना हो गया सिक्सटीन और यहाँ पे कितना हो गया थ्री फोर हज़ार ट्वेल्व तो स्टूडेंट्स ये यहाँ पे हमारे पास क्या था फोर एस टू था तो एस ओ टू सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर डाईऑक्साइड में कन्वर्ट करना है सल्फर डाइऑक्साइड टू फोर जर एट हो गया और ये आ, फोर मिला के कितने हो गए ट्वेल्व हो गया ठीक है और दूसरी दफ् अगर हम देखें फोर एसो थ्री है फोर एसओ थ्री का क्या मतलब है कि इसमें हमारे पास ऑक्सीजन भी कितना ट्वेल्व है और सल्फर हमारे पास फोर है तो हमारे पास दोनों इक्वेशन बराबर होगी इसमें हमारे तो पास ये यहाँ पे यहाँ पे आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट जो कि हमारे पास है टू पॉइंट जीरो मोल ऑफ ऑक्सीजन उक्षिज, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज़ रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट फॉर कन्वर्जन ऑफ सल्फर डाईऑक्साइड इंटू सल्फर ट्राई एम सी क्यूज नंबर फोटीन गिवन है रिलेटिव अटोमिक मैस ऑफ क्लोरिन इज़ थर्टी फाइव पॉइंट फाइव थर्टीन थर्टी फाइव पॉइंट फाइव ये इसका क्या रिलेटिव मैस ऑफ क्लोरीन है जिससे हम पीछे बोल के आए कि थर्टी फाइव पॉइंट uh, फाइव हमारे पास क्या है क्लोराइड का मैस है सो ये नहीं होता क्लोरिन का होता वट इज़ द मैस ऑफ टू मोल्स ऑफ क्लोरिन गैस टू मोल्स ऑफ क्लोरिन गैस का क्या मैस होगा हमने ये देखना है अगर हम लोग फोर्टीन एम सी क्यू देखें उसमें हमें क्या कहा है कि मैस ऑफ क्लोरिन हमें कितना दिया हुआ है मैस ऑफ क्लोरीन ठीक है क्लोरीन या सी ठीक है सी क्लोरीन सी के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और इसका कितना दिया हुआ है थर्टी फाइव पॉइंट फाइव दिया है और हमने निकालना क्या मैस ऑफ टू मोल्स ऑफ क्लोरीन ठीक है टू मोल्स ऑफ सी एल टू ये हम लोग कैसे निकालेंगे थर्टी फाइव पॉइंट फाइव को मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली टू से पहले हमारे पास ये वन मोल था ऑफ मैसन मोल ऑफ और इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास ये क्या आ जाएगा वन फोर्टी टू ग्राम ऑफ सी एल टू तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट बनता है ठीक है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट इसके बाद हमारे पास है एमसीक्यू नंबर फिफ्टीन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है ट्वेल्व ग्राम ऑफ कार्बन गैस कंटेंस वन मोल ऑफ एटम्स ट्वेल्व ग्राम ऑफ कार्बन गैस में कितना होता है वन मोल ऑफ एटम्स होता है ये तो सही है क्योंकि हम लोग अगर देखें ट्वेल्व को अगर डिवाइड करें ट्वेल्थ पे यानी ट्वेल्व गिवन मैस है और मोलर मैस यानी ट्वेल्व पे डिवाइड कर दें और फिर हम लोग देखेंगे तुम्हारे पास ये क्या आ रहा है वन मोल ही आ रहा है वन मोल ऑफ वन मोल ऑफ एटम्स ही आएंगे इसमें और उसके बाद हमारे पास ऑप्शन नंबर बी के ट्वेंटी एट ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन गैस ट्वेंटी एट ग्राम्स इसका ऑलरेडी होता है ठीक है उसमें हमारे पास क्या होता है नाइट्रोजन एन टू की फॉर्म में करते हैं उसमें हमारे पास वन मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एन टू होता है तो ये करेक्ट है क्योंकि अगर हम देखें ट्वेंटी एट को डिवाइड करें ट्वेंटी एट पे ऑक्सीजन नाइट्रोजन का ट्वेंटी एट होता है और इसको हम लोग डिवाइड करें ट्वेंटी एट पे और इसको फर्दर हम लोग क्या कर दें मल्टी इसको आ, फिर देखें कि हमारे पास क्या आ रहा है कि वन मोल ही आएगा वन मोल इज इक्वल टू सिक्स पॉइंट जीरो टू ट्स पर ट्वेंटी थ्री यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वन मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एन टू आ जाएगा तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है और वन डेसीमीटर क्यूब ऑफ ऑफ वन मोल पर डेसीमीटर क्यूब सोल्यूशन ऑफ एन एस सी एल कंटेंट्स वन मोल ऑफ क्लोराइड एंड वन

है और तीन कार्बन है तो इस लिहाज से हाइड्रोजन के जो अटैचमेंट है वो भी चेंज होगी ठीक है और मिथेन मेरे में पास फोर होता है उसके बाद है नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स एज एक इन वन मोल ऑफ ब्यूटेन ब्यूटेन और प्रोपेन का क्या नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स सेम हो सकता है नो प्रोपेन हमारे पास थ्री कार्बन वाला है और प्रोब्यूटेन हमारे पास क्या फोर कार्बन वाला है उसके बाद है मैस एज हाफ एज हाफ ए मोल ऑफ हेक्सेन यानी अगर हम हेक्सेन का मैस हाफ करें तो उसके बराबर आ जाएगा इसके बराबर भी नहीं आएगा तो हम करके देखते हैं तो स्टूडेंट्स अगर हम हेक्सेन का फार्मूला देखें हेक्सेन के फार्मूला में हम लोगों ने इसको हेक्सेन का जो मैथ है वो निकाला है और इसको अगर हम हाफ़ कर दें हाफ का क्या मतलब है टू, टू पे डिवाइड कर दें फोटी थ्री आ रहा है और जब हम प्रोपेन का देखें प्रोपेन हमारे पास क्या होता है प्रोपेन हमारे पास होता है तीन कार्बन वाला और इसके साथ कितने हाइड्रोजन्स लगे होते हैं इसके साथ लगे होते हैं तीन तीन छः सात आठ आठ ठीक है सी थ्री एच एट लगा होता है ये हमारे पास क्या आया था अभी हम लोगों ने हाफ के फोर्टी थ्री आया है अब हम लोग क्या करेंगे ट्वेल्व को मल्टीप्लाई करेंगे थ्री पे और फिर एड करेंगे एट को तो हमारे पास ये फोर्टी थ्री नहीं आ रहा फोर्टी फोर आ रहा है तो हाफ नंबर ऑफ हाफ मैथ्स नहीं आ रहा एज दैट ऑफ हेगजेन तो हम लोग ये कहेंगे ये भी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन नहीं है उसको लास्ट देखते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एज इन वन मोल ऑफ इथेन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है सेम होगा एज इन वन मोल ऑफ इथेन वन मोल ऑफ इथेन और प्रोपेन में मॉलिक्यूल सेम हो सकता है लेकिन हमारे पास इसके ना ही हाइड्रोजन आइटम सेम होगा किसी से ना ही इसका कार्बन आइटम सेम होगा तो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है उसके बाद हमारे पास सेवनटीन एम सी क्यू है सेवनटीथ हमारे पास क्या है वट इज़ द मैस ऑफ वन मोल ऑफ आई मॉलिक्यूल आई मॉलिक्यूल यानी आई टू आई टू का मॉलिक्यूल का मैस कितना होगा अब हम लोग क्या करेंगे वन ट्वेंटी सेवन को आई मॉलिक्यूल सॉरी आईडी मॉलिक्यूल है तो वन मोल ऑफ आईडी मॉलिक्यूल आईडीन भी आई टू के फॉर्म एग्जिस्ट करता है और हमारे पास हमें पता है कि आईडीन का वन ट्वेंटी सेवन और वन ट्वेंटी सेवन को अगर हम लोग टू से मल्टीप्लाई करें वन ट्वेंटी सेवन विच इज मल्टीप्लाइड बाई टू हमारे पास ये क्या आ रहा है टू फिफ्टी फोर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए इस करेक्ट उसके बाद है व्हाट वॉल्यूम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एट रूम टेंपरेचर एंड प्रेशर इज प्रोड्यूस्ड ऑन हीटिंग नाइन पॉइंट सेवन ग्राम ऑफ जिंक सल्फाइड इफ रिएक्शन टेक्स प्लेस एज फॉलो यानी हम लोगों ने वॉल्यूम ऑफ सल्फ़र डाइऑक्साइड निकालना है और हमें क्या दिया हुआ है इस हमें जिंक सल्फाइड का मैच दिया हुआ है और हम लोगों ने वॉल्यूम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड निकालना है अगर हम रिएक्शन में देखें दो मोल्स ऑफ सल्फर जिंक सल्फाइड से दो मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड बन रहा है इसको हम लोग इसी तरीके से करेंगे जिस तरह हम लोगों ने पिछला न्यूमेरिकल किया था एम सी क्यू किया था इसको हम लोग देखते हैं अब तो स्टूडेंट्स अगर हम लोग यहाँ पे देखें वॉल्यूम हमें निकालना है ठीक है वॉल्यूम ऑफ सल्फर जिंक सल्फाइड निकालना है इन्हें पूरी सॉल्यूशन का निकालना है नंबर ऑफ मोल्स ट्वेंटी प्लाई ट्वेंटी टू पॉइंट फोर वन फोर और नंबर ऑफ मोल्स क्या होती है गिवन मैस गिवन मैस में नाइन पॉइंट सेवन दिए और नाइन सेवन से हम लोग डिवाइड करें मल्टीप्लाई कराए ट्वेंटी टू पॉइंट फोर वन फोर से आएस ये क्या आ जाएगा वॉल्यूम आ जाएगा जिसको हम लोग अगर सॉल्व करके देखें हमारे पास ये क्या है नाइन पॉइंट सेवन डिवाइड बाई नाइन्टी सेवन विच इज मल्टीप्लाइड बाई ट्वेंटी टू पॉइंट फोर वन फोर आई पास ये क्या आ गया टू पॉइंट टू फोर आ गया टू पॉइंट टू फोर ये क्या है वॉल्यूम आया डेसीमीटर क्यूब आए ठीक है डेसीमीटर क्यूब आए अब हम लोग अगर देखें हमें क्या कहा, आ, हमें कहा तो है हमें क्या है कि वट वॉल्यूम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एट रूम टेम्परेचर इज प्रोड्यूस तो वॉल्यूम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड है वॉल्यूम हम लोग क्या करेंगे वॉल्यूम हम करेंगे नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे ट्वेंटी टू पॉइंट फोर वन फोर से ठीक है ट्वेंटी टू पॉइंट फोर वन फोर से कर देंगे और अगर आप लोग यहाँ पे देखें हम लोग वॉल्यूम यहाँ पे निकाला है अगर वॉल्यूम की जगह आप लोग सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स भी निकालें तो ये भी सही होगा नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे गिवन मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस विच इज मल्टीप्लाइड बाय ट्वेंटी टू पॉइंट फोर वन फोर ये वाला स्टेप आप लोग रहने लेंगे ठीक है डायरेक्ट आप लोग यहाँ पे कर लें ठीक है ये वाला हमारे पास क्या आ जाएगा नाइन पॉइंट सेवन ये हमारे पास क्या आ रहा है टू पॉइंट टू फोर आ रहा है ठीक है टू पॉइंट टू फोर आप लोग डायरेक्ट ये वाला स्टेप करेंगे आपके पास ये क्या है टू पॉइंट टू फोर डेसीमीटर क्यूब आ रहा है तो स्टूडेंट्स आप लोगों का ये वाला ऑप्शन करेक्ट है ठीक है और जो कि ऑप्शन नंबर बी बनता है टू पॉइंट फोर डेसीमीटर क्यूब यानी टू तो आप लोगों का सेम आ हाँ ही रहा है और आगे वाली वैल्यूज़ अगर चेंज हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता तो स्टूडेंट्स हमारा यहाँ पर ये लेक्चर कम्प्लीट होता है उम्मीद करती हूँ लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा लेक्चर पसंद आए तो लाइक करें दूसरों के साथ शेयर करें चैनल को भी सब्सक्राइब करें और लेक्चर थोड़ा लेंथी हो गया लेकिन आप लोग कम्प्लीट देखें ताकि आप लोगों के सारे जो एम सी यू हैं वो सॉल्व हो सके सारे आपकी प्रॉब्लम्स क्लियर हो सकें मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़